हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरी मम्मी अपने एक पौधे को अपने उससे 2 इंच बड़े गमले में कैसे लगाती हैं। और आज मैं आपको कुछ फ्लावर्स भी दिखाने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है कि मम्मी कैसे अपने गमले में दूसरे गमले में उनको रिपोर्ट करती है पेड़ को। ये रहा मेरा प्लांट जिसको मम्मी अभी इस वाले गमले में लगाएंगी। और क्या करेंगी वो सब आपको दिखाएंगी मम्मी, कौन सी पॉटिंग मिक्स है और क्या है वो मम्मी बताएंगी आपको। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने सारे प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करती हूँ। अब देखिए, ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, अब देखिए, इसमें मैंने किचन वेस्ट से और जो उपले होते हैं उनसे एक कंपोस्ट तैयार किया था मिला के, और वो मैंने थोड़ा सा रिवर्सेंट मिलाई है, जो कंस्ट्रक्शन साइट से मिलती है वो मैंने रिवर्सेंट थोड़ी सी मिलाई, ज़्यादा मैंने नहीं मिलाई है, ज़्यादा मिलाने से कोई मतलब नहीं रहता है, थोड़ी मिलाई है। और मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैं घर पर ही कंपोस्ट बनाती हूँ, जितना किचन वेस्ट निकलता है बनाना पेन से या फ्लावर्स जो भी हमारे गार्डन के वो समय बनाती हूँ उसी से, और उसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। देखिए, आप मेरे सारे प्लांट जितने भी हैं उन्हें अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अब मेरा ये प्लांट जो गुड़हल, पिंक गुड़हल का है, पिंक हिबिस्कस, वो काफ़ी टाइम से पड़ा था, उसको मुझे बड़े बहुत टाइम से पड़ा था, मुझे उसको इस वाले प्लांट को बड़े गमले में लगाना था। आज मैंने सोचा आज मैं इस काम को कर ही देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे जो है ये लीव्स वगैरह जो भी होता है उसको मैं डाल देती हूँ नीचे, जितनी भी लीव्स होती है नीचे। ड्रेनेज हॉल भी इसका अच्छा रहता है, इसका छेद होता है वो सही रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पानी ड्रेन आउट होता रहता है। तो मैं उसके नीचे देखिए ये ऐसे पत्तियाँ डाल देती हूँ। देखिए आप कितनी सारी रूट्स हो गई, देखिए तो मैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा बाउंड हो गया, देखिए वो बाउंड, देखिए इसमें मिट्टी भी जो थोड़ा सा टाइट हो गई, देखिए कैसी हो गई है जड़े, देखिए कितनी मोटी मोटी सी जड़े हो गई है, ये देखिए आप लोग, देखिए कितनी मोटी मोटी जड़े इसमें हो गई हैं। अब ये जो जड़े हैं इनको थोड़ा सा हम ऐसे मिट्टी खोल देंगे किसी चीज़ से, ऐसे पत्थर से ही मैं ऐसे कर दूँगी, जैसे थोड़ा सा इनको रूट सिस्टम ना टूटे, वैसे कितनी मोटी मोटी जड़ें हो गई, ये कुछ खाना पानी नहीं ले पा, हम जड़े इनको ऐसे करके खोल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ऐसा सीज़न है जिसमें हमारे प्लांट्स अब कैसे भी करके लगा दो अच्छे से ग्रो कर देंगे। देखिए मैंने ऐसे पूरी नीचे से जड़े खोल दी, क्योंकि इनको अब ये मेरे पास कुछ नीचे ड्रेनेज होल के लिए ऐसे कुछ फ्लावर्स थे या कुछ भी बनाना पील्स थे, तो मैं इनको क्या करूँगी ऐसे ही ग्रीन हॉल कवर करने के लिए मैं ऐसे बिछा देती हूँ। हर प्लांट में करती हूँ, ये कोई इसी में नहीं, सब में ये करती हूँ। अभी जो मेरी पहले वाली मिट्टी थी और ये मिट्टी, ये मैं इनको ऐसे एक में ही ऐसे मिला दूँगी, ऐसा करके पुरानी मिट्टी नई मिट्टी ऐसा करके, ये भी मेरे पुराने गमले की मिट्टी निकली हुई थी, मैंने उसी ही इसको ऐसे मिला दिया है। और मेरे पास थोड़े ग्रेनुअल रखे हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, मैं इसी मिट्टी में, ये ऑर्गेनिक है, हाँ ऑर्गेनिक ग्रेनुअल्स हैं, मैं ऐसे करके इतना सारा मैंने इसी में डाल दिया, मेरे पास था तो मैंने इसको ऐसे डाल दिया। और नहीं दियो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालिए, मैंने इसको अच्छे से ऐसे मिला लिया है अच्छे से। देखिए दोस्तों, हम कैसे इसमें पॉटिंग मिक्स भर रहे हैं, कैसे इतना हमने इसमें नीचे से डाल दिया है और अभी उठाया है, ठीक है। अब हम इसको अपने इस प्लांट को उठा के, देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितनी सारी कलियाँ ये देखिए आई हैं, ये देखिए सब कलियाँ आई हैं, है इससे देखिए फ्लावर्स भी एक लगा है, फ्लावर लगा। अब देखिए मैं इसको इसे 2 इंच बड़े गमले में मैं इसे ऐसे करके रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि मैं इनकी जड़ों को ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी। मैं ऐसे करके इसको ऐसे मैंने रख दिया है, और मैं अब जो मैंने पॉटिंग बनाया था
उसको मैं ऐसे ऐसे किनारे से सारा भर दूँगी। इसमें देखिए बहुत ही इजी है प्लांट लगाना, कोई इतना कठिन काम नहीं है। बस मेरा एक शौक़ था कि मैं अपने घर में प्लांट लगाऊं, तो मैं बस वही करती हूँ और अपने प्लांट्स लगाती हूँ। मैंने ऐसे करके मिट्टी को अच्छे से दबा दिया है जिससे मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। अब मैं इसमें पानी डाल देंगे सही से, पानी इतना पानी डाल देंगे कि इसमें से नीचे से पानी निकलने लगे सही से। आप देखिए आप लोग ये पॉटिंग मिक्स कैसा बना है। देखिए अच्छा बना है क्योंकि पानी धीरे धीरे, बड़ा गमला है अब इसे धीरे 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 पानी नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा और ड्रेन आउट हो जाएगा क्योंकि गमले की मिट्टी एकदम सॉफ्ट बनी है, अच्छी बनी है। तो ये इस प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है दूसरे गमले में और अब मम्मी इसको छांव में रख देंगी। और इसके आगे का अपडेट देखने के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना होगा। और आप ये भी बताएं कि आपको ये कैसा लगा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।